आपका नाम और क्या संगठन से आप काम कर रहे हो? मेरा नाम पूर्वेश त्रिवेदी है और हम जो अच्छा काम होते हैं उसमें हम हर रोज साथ में रहते हैं। आज क्या प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी, क्या किस सोच के साथ आप इसराइल को सपोर्ट करने के लिए आए हो? इसराइल को इसलिए हम सपोर्ट करके इसराइल सच्ची तरह से आगे बढ़ रहा है। एक टेररिज्म जो है उसका सही में नाश होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से जो दुनिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम आगे बढ़ के ना हो, इसीलिए इसराइल के साथ में अगर भारत देश भी है और हम भी है, भारत की जनता भी हम इसराइल के साथ ही है। किस तरह से पूरा प्रोग्राम क्या आयोजन किया है? हाँ, तो हम इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमको देख के और देश के लोग भी आगे बढ़े और इसराइल को सपोर्ट करें, और इसराइल को सपोर्ट इसलिए करें क्योंकि जो पूरा देश, अगर पूरी दुनिया में आतंकवाद का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, इसीलिए। आतंकवाद को नाश करो चाहिए। आपका नाम बताइए। नेहा त्रिवेदी। नेहा जी, आज आपने इसराइल को जो इसराइल तो उसमें इसराइल को सपोर्ट किया है, क्या सोच के साथ, क्या आपका थिंकिंग रहा और क्या आज इसको सपोर्ट करने के लिए? मेन हमारे क्या हम सोचते हैं कि जो हमारे लेडीज़ के साथ खराब हो रहा है, बच्चों को साथ वो आतंकवाद खराब कर रहा है, तो आतंकवाद को हम हटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है और आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक रोग जैसा है कि जो पूरे देश पूरे विश्व को खराब कर रहा है। तो हम इस ये ऐसा कर रहे हैं कि धीरे 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 आतंकवाद को थोड़ा ख़त्म करें। हम शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ही, तो ये इसराइल ने किया है तो हम इसराइल के साथ है, क्योंकि आतंकवाद सबके लिए ख़राब है। मुकेश टांक, मैं सिविल इंजीनियर हूं और मेरा प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर काम है। आज प्रोटेस्ट करके आप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण था इसराइल को सपोर्ट करने का? ये हमने जो कार्यक्रम रखा है मौन का, वहाँ जो हमास नाम के आतंकवादी ग्रुप ने इसराइल के निर्दोष नागरिक बच्चे स्त्रियों को मारा है, उसके अगेंस्ट में हमने ही किया। और ये लोगों और उन जो मरे हुए उसको दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमने ये मौन व्रत किया। आत्मा को हम प्रार्थना किया प्रभु के पास कि उसको सदगति मिले। और हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ग्रुप हैं जो हमास और कोई भी आतंकवादी ग्रुप हो उसका सर्वनाश होना चाहिए। दुनिया के हर देश को मिल के ये काम करना चाहिए कि यह आतंकवाद नाबूद होना चाहिए पूरे दुनिया में। और इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, वो राष्ट्र को हम खुला करना पड़ेगा, नहीं तो ये आतंकवाद नहीं रुकेगा। और जो भी हुआ है वहाँ इसराइली स्त्रियों के निवस्त्र करके उसके पैर पे उसके ऊपर पैर रख के धार्मिक सूत्राचार करके वो धर्म को भी बदनाम किया है, वो भी अच्छी बात नहीं है, आप समझे ना। तो ऐसा ना होना चाहिए, ये रुक जाए, इसलिए हमने ये मौन व्रत किया है। और हमने सब सदगत को प्रार्थना का आत्मा को समर्थ शांति मिले ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं।